नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर विवेक जांगीर नर्सरी बराड़ा से। आज हम आए हैं उज्जैन बबलू जी पाटीदार जी के फील्ड पर, जिन्होंने पपीता का बगीचा लगाया था। भैया से बगीचे की पूरी जानकारी लेंगे, कौन सी वेरायटी लगाई थी, कितनी दूरी पे लगाई थी और क्या सिंचाई का माध्यम अपनाया और कितने दिन का बगीचा हो गया है। सबसे पहले हम भैया का इंट्रोडक्शन लेंगे। सर नमस्कार। सर मैं बबलू पाटीदार, गाँव पाटपला मक्सर उज्जैन से, मध्य प्रदेश से। सर के कहने पे बगीचा लगा है, पहली बार में ही हूँ। बिल्कुल। हाँ, टोटल कितने क्या प्लांट लगाए सर आपने? सर मैंने करीबन 2200 तो अपने रेड लेडी के लगाए हैं सर। हाँ हाँ। और 300 के आसपास मैंने अमीना लगाया है। हाँ। कुल 2500 प्लांट आपने लगाए? प्लांट लगाए। लगाने की दूरी क्या रखी और कौन सी वेरायटी लगाई आपने? वेरायटी दोनों वेरायटियों में सर सेम दूरी रखी है मैंने, 6x8 पे। रो से रो की दूरी जो 8 फीट है, पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट है। और प्लांटेशन का डेट क्या था आपका? ये सर 15 तारीख को मेरे यहाँ प्लांट आ गए थे। 16 तारीख से मैंने स्टार्ट किया, तो 20 तारीख के दिन मैंने पूरा लगा दिया। फरवरी में 16 फरवरी को आपने प्लांटेशन चालू किया था और 20 तक लगा दिए थे। आज लगभग 21 मई हो गया है। लगभग लगभग 90 दिन हो गए सर। 90 दिन का ये बगीचा जो हम देख रहे हैं, 90 दिन का बगीचा। 90 दिन का बगीचा। क्या स्थिति अभी वर्तमान में बगीचे की? सर करीबन कहें तो ये 5 फीट के प्लस में ही पेड़ पहुंच गए हैं। और हर पेड़ पे करीबन 8-10 फल लगने लग गए हैं। अच्छा। बाकी फूल वगैरह सभी आ रहे हैं। और अभी तो लोग कह रहे हैं कि सब अच्छा है, बगीचा बहुत अच्छा है। सबसे पहले बताइए, आपका विचार कैसे आया कि मुझे पपीता लगाना चाहिए? कुछ अलग करना था सर खेती, क्योंकि मैं हमारे यहाँ आलू प्याज हो रहे हैं सर कंटिन्यूटी में। अब कुछ अलग खेती करना था, तो ऐसे ही चर्चा हुई कि यार अपने क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे सर, तो उसमें पपीता के लिए देखने चालू किए, तो वही देखते गए, तो उसमें लगा कि यार पपीता जो है मतलब एक कहें व्यापारिक खेती में ले सकते हैं इसको, अपन अच्छा मुनाफा इससे कमा सकते हैं हमारे। तो फिर मैंने पपीते का डिसीजन लिया। आपने सबसे पहले यूट्यूब पे वीडियो देखा? हाँ। फिर मन बनाया। फिर आपकी चर्चा हुई सर मेरी। उसके बाद आपने विजिट भी? बहुत सारे वीडियो देखे सर मैं। हाँ। ऐसा नहीं आपका ही देखा। हाँ। बहुत सारे देखे वीडियो। हाँ। फिर विश्वास करने वाली बात थी, तो उसमें आपके साथ जब बातचीत हुई सर मेरी, और आपने जब ये बोला कि मेरे जो पुराने किसान हैं उनसे आप बात करिए, और एक भी किसान ने मुझे ये नहीं बोला कि सर का ये है, बोले कि सर का काम जीना ही है, आप उनसे प्लांट लेना। तो मैंने आपसे फिर डिसीजन लिया। शायद दिलीप जी पाटीदार लसुड़िया, दिलीप जी पाटीदार से ही मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने मेरे को बोला कि उनका जो कहेंगे वो देंगे। बिल्कुल। ये कह के मैंने लिया और जो नतीजा अब सामने है। बिल्कुल। क्योंकि सर मेरे 2500 प्लांट है लगभग। 2500 प्लांट में पहली बात तो ये है कि सर ने मेरे को 100 प्लांट ऊपर दिए थे, वो 100 प्लांट मेरे ऐसे कैसे रह गए। मेरे को दो चार चार पौधे करके गांव में देना पड़े। अच्छा, मेरे को सिंगल पौधा भी एक डैमेज नहीं हुआ। अच्छा, मतलब आपका मोर्टिलिटी नहीं रही बगीचे? बिल्कुल जीरो। अच्छा, जीरो सिंगल पौधा। अच्छा। और उसके बाद में आज की तारीख में 2500 प्लांट में सिंगल पौधे में वायरस नहीं है। अच्छा। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। सही बात है। किसान भाइयों, ये जो बगीचा देख रहे हैं उज्जैन के पास मक्सी रोड पे पाटपाला गाँव, नंबर 1 भैया की मेहनत इसमें सबसे पहले हम नंबर 1 मानेंगे। इन्होंने मेहनत इतनी ज़ोरदार की है कि जो बगीचा हम भी देख रहे हैं 90 डे का, ऐसा बगीचा हमने भी अभी तक नहीं देखा है। ज़बरदस्त मेहनत कर रखी है, ज़बरदस्त इनकी व्यवस्था है। आप आइए कभी मक्सी रोड से गुजरिए तो रुकिए, देखिए बहुत ही बढ़िया इनका व्यवस्था है। पूरा हम डिटेल जानेंगे इनकी, क्या शुरू से आखिरी तक 90 दिन ने इन्हें क्या किया ऐसा कि ये जैसे 3 से 4 महीने का बगीचा लगता है उस स्टेज पर पहुँचा है। सबसे पहले हम खेत की तैयारी से चालू करेंगे, भैया ने क्या तैयारी की जानेंगे। सर इसमें पहले मेरे प्याज थे सर। हाँ। नासिक के प्याज थे, मैंने निकाल के 2 महीने खेत को खाली रखा। हाँ। खाली करने के अच्छी गहरी जुताई कर दी। हाँ। गहरी जुताई करने के बाद में मैंने इसमें करीबन 12 ट्राली के लगभग तो गोबर की खाद डाल दी। मतलब ये किया मैंने जब अपना प्लांटेशन के 10 दिन पहले से तैयारी चालू करी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने वो डाल दिया। हाँ। उसके बाद बेड मेकर से बेड बना लिए। हाँ। और ड्रिप डाल दी। हाँ। तो ये सारी तैयारी, मल्चिंग बिछाना, ये सारी तैयारी हो गई। हाँ। और फिर मैंने आपको फोन लगाया कि मेरे प्लांट्स दीजिए आप। अच्छा। उसके बाद जैसे आपने बेड बनाए। हाँ। है ना, बेड 8-8 फीट पे बेड बनाए। 8-8 फीट पे बनाए। बेड बनाते समय क्या क्या खाद का प्रयोग किया आपने? मैंने बेड बनाने के साथ में इसमें दिया है सर, मतलब कहें तो के बायो एनपीके और इंसेक्टिसाइड के लिए काली चक्रा आता है, एक नेमेटोड के लिए नेमेटो फ्री आता है वो दिया, बाकी पोटास एक्टिव बैक्टीरिया दे दिए थे, बाकी यही दिया था सर, ज्यादा कुछ नहीं। एक जेबा यूपीएल का दे दिया था, वो पानी को पकड़। सर ने जब बेसल डोज दिया तो जो भी बैक्टीरिया थे जैविक
उनका प्रयोग भैया ने जो ये बेड बनाया इसमें किया, तो एक इकोसिस्टम बनाया भैया ने लगभग 60 दिन से, उसके बाद आपने कुछ नहीं दिया। हाँ, फूल आने तक मैंने उसमें उसके बाद कुछ नहीं लगा। कुछ भी नहीं। एसएल डोज भैया ने पर्याप्त मात्रा में दे दिया था। अच्छा, देशी खाद का कितना प्रयोग किया आपने? सर करीबन पटिया लगी हुई ट्राली का, 3 फीट की कहें तो 12 ट्राली जेसीबी से भर के डाली थी इसमें। टोटल कितने बीघा में? ये 5 बीघा में। 5 बीघा में 13 ट्राली। हाँ, 12 ट्राली, 12 ट्राली देशी खाद डाला। हाँ, 12 ट्राली। उसके बाद अपना विचार बना कि अपने को बगीचा लगाना चाहिए, तो ये तैयारी कर। बिल्कुल जान, जैसे कि आप ये देख पा रहे किसान भाइयों, भैया के बेड और मल्चिंग और ड्रिप से लगा हुआ है, तो थोड़ा ड्रिप और मल्चिंग की जानकारी लेंगे। जो आपने ड्रिप लाइन दी है, सिंगल लाइन है कि डबल लाइन है? ये डबल लाइन दी सर। वो डबल लाइन इसलिए देना पड़ी मेरे को क्योंकि मेरा बेड और मल्चिंग का साइज था वो 5 फीट का था। हाँ हाँ, बड़ा था बेड, तो उस वजह से मैंने उसमें डबल लाइन डाली दोनों साइड में। अच्छा, मैंने कहा कभी एक फट जाए या कुछ हो जाए तो ये जो कंपनी की लेने जा रहा था उसमें मेरी डबल लाइन डल गई सर। ये इंदौर में मिलता है सर, सस्ता, ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है। हाँ, वो तो फिर मैंने डबल लाइन ही डाली। ये इंदौर से ड्रिप मंगाई थी? इंदौर से ड्रिप पीसी लाइन मिल जाती है सर, 3 साल की वैलिडिटी की रहती है। 1 एकड़ का लगभग कितना खर्चा आया ये मल्चिंग और ड्रिप का दोनों को मिला के? सर एकड़ का ये 5 बीघे का पूरा अगर मेरा बिल बताऊं तो 50,000 के समथिंग खर्चा आ गया था। 50,000 में मल्चिंग और ड्रिप दोनों आ गई थी, डबल लाइन डल गई, डबल लाइन, पाइप वगैरह? पाइप अपने ही थे सर, ये पाइप अपने थे अपने पास, तो पाइप लगा दी। बिल्कुल, भैया ने लगभग 50,000 में ड्रिप लाइन और मल्चिंग लाइन पूरे 5 बीघा में डाल दिया। उसके बाद में सिंचाई आपने स्टार्ट की ड्रिप लाइन से? हाँ, ड्रिप लाइन। कितने कितने दिन में शुरुआत में पानी पिलाया आपने? शुरू में तो बहुत कम लगा सर, शुरू में तो ये मान ले सर कि मैं पर डे की अगर बात करूं तो जैसे कि 3 दिन में चलाना है। हाँ, तो 3 दिन में चलाना है तो आधे घंटे के हिसाब से 1.5 घंटा चला दी। हाँ, 2 दिन में चलाया तो 1 घंटा चला दी, मतलब आधे घंटे पर रोज का हिसाब से। अच्छा, और ये 5 ही बीघे में एक साथ में चल जाती है ड्रिप, 5 के मोटर से, मतलब इसमें वाल नहीं बने। पौधा जैसे ड्रिप मल्चिंग से लगाने के बाद डैमेज वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल एक भी कुछ भी नहीं गया, एक पौधा भी डैमेज नहीं हुआ जैसे कि देख पा रहे हैं उसमें। सर थोड़ा सा बात करूँ, एक चीज है कि जैसे मल्चिंग में अपन छेद करते हैं ना सर, तो गर्म हवा आती है अंदर से। हाँ, तो मैंने पौधे को लगाया, पौधे को लगाने के बाद में उस छेद को मिट्टी से बंद भी किया सर। हाँ, नहीं तो वहाँ से गर्म हवा आ रही थी तो डैमेज कर रही वो थी, कट करती पौधे, तो मैंने उसको मिट्टी से पहले से प्री तैयारी कर, उसमें भी पौधे डैमेज नहीं हुए उस कारण से, तो अक्सर मल्चिंग में डैमेज होते हैं। किसान भाइयों जब भी मल्चिंग का प्रयोग करे जो मेन छेद रहता है उसके ऊपर मिट्टी डाले, वो साइड में मल्चिंग पे एक्स्ट्रा छेद बनाए ताकि गर्मी में गर्म हवा वहाँ से पास हो सके। भैया से हम जानेंगे जो फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं तो इसकी 60 दिन के बाद आपने स्टार्ट कर दिया था। हाँ, 60 दिन जैसे क्या लगा आपको कि फ्लड इरिगेशन अब करना चाहिए? फ्लड इरिगेशन सर ऐसा लगा कि एक दिन में आपने बोला था मेरे को कि फ्लड इरिगेशन चलाएं, तो मैं यहाँ पर देखने आया तो ये मल्चिंग के बाहर ही ये बाहर आ गई थी, ये रूट व्हाइट रूट आ गई थी ये, तो मैंने भी देखा, मैंने कहा ये रूट सूखे में जा रही थी, तो सूखे में जाने के चक्कर में मैंने खोद के देखा तो ये सारी फिर मैं रूट्स बाहर आ रही थी, तो फिर मैंने फ्लड इरिगेशन चालू किया। बिल्कुल, ये देख सकते किसान भाइयों ये 90 दिन का प्लांट हो गया है और ये रूट्स बाहर आ गई है। ये पौधा है प्लांट अपना, और प्लांट से 2 से 3 फीट दूर ये बीच की जो स्पेस है 8 फीट, इसमें प्लांट से 4 फीट दूर ये रूट है और ये हर पौधे की रहती है। यहाँ पर अगर हम चूक जाते हैं और फ्लड इरिगेशन नहीं करते हैं तो जो रूट आ रही है व्हाइट रूट, इसको गर्मी मिलेगी जिसकी वजह से पौधा डैमेज होगा, वह खड़े खड़े एकदम सूख जाएगा। लाइन और फ्लड इरिगेशन दोनों अल्टरनेट चल रहे हैं सर, दो दिन ड्रिप में 2 दिन फ्लड में चल रहे हैं। हाइब्रिड काम कर लिया और दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया, कॉम्बिनेशन कर क्या व्यवस्था बनाई? जैसे ड्रिप लाइन तो ये अपने डबल लाइन की ड्रिप है। हाँ, इसी लाइन में सर मैंने एक बड़े वाले 32 mm के नल लगा दिए। अच्छा अच्छा, हाँ 32 mm के नल लगा दिए और ये 16 mm की ड्रिप लाइन डली हुई है सर। हाँ, और 32 mm तो इसमें नल खोल देते सर, सुविधा हो जाती है नल। एक साथ कितने नल खोलते हैं आप? ये 20 नल चल जाते हैं सर, 5 नल चलते मोटर में, और ये स्लो धीरे धीरे पानी जाता है, गल के 250 फीट है सर लगभग, पूरी इसकी 250 फीट में ये मान ले सर के 2 से 2.5 घंटे में पहुंच जाता है नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा धीरे धीरे स्लो जाता है, स्लो जाता है, स्लो जाने में सर ये पूरा बेड तक गीला हो जाता है। किसान भाइयों ये जो व्यवस्था देख रहे हैं सफलता का राज यही है, जब 60 दिन का प्लांट हो जाता है तो हमें जो बीच का स्पेस है इसमें पानी देना अनिवार्य होता है। हम क्या करते हैं किसान भाइयों यहाँ पे कि सिर्फ जैसे ड्रिप लाइन डली हुई है हम ड्रिप लाइन से पानी देते रहते हैं, वह इस पौधे की रूट अब बीच में आ गई है तो बीच में पानी देना अनिवार्य होता है। अगर बीच में पानी नहीं देंगे तो पौधा स्ट्रेस में आ जाता है। भैया का जो ये बगीचा देख रहे हैं इसका इतना जबरदस्त इसी कारण से, ये मात्र 90 दिन के प्लांट है
लेकिन भैया ने जो व्यवस्था की है हाइब्रिड सिंचाई की, उसी के कारण ये मेन हिस्सा है। अच्छा, खाद की व्यवस्था कुछ की बीच में आपने, फर्टिलाइजर दिया? हाँ, था फर्टिलाइजर दिया ना सर। इसमें अपन ने 60 दिन तक तो जो पहले दिया था शुरू में वही रहा। क्या 58 दिन में फूल आ गए थे सर, फ्लावर आ गए थे, फ्लावर आ गए थे। उसके बाद अपन ने सर इसमें 12-61 अभी तक आज तक करीबन 25-30 किलो चला चुके हैं। अच्छा, 12-61-0। और उसके बाद में फिर मैंने 19-19 चला चुका हूँ। और बाकी आपका जो चार्ट था उसमें मैक्सिमम सारे चीज दे चुका हूँ मैं ना। मैग्नीशियम सल्फेट दे सकता हूँ, दे दिया है, बोरोन दे दिया है, जिंक दे दिया है, सल्फर दे दिया है। अच्छा, और सल्फर और जिंक की ज्यादा कमी है सर अपनी जमीन में। सोयाबीन होता तो मैंने सबसे पहले जिंक सल्फर ही दिया। जिंक और सल्फर की मात्रा बिल्कुल सर। ये देख सकते हैं भैया का बगीचा बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आप फ्लड इरिगेशन में आप डीएपी वगैरह पोटास अब आप बीच में इसमें डायरेक्ट दो क्या? हाँ सर, मैं एक बात और कहूँ कि ये अभी मैंने इसमें ना 1 क्विंटल एनपीके जो था 12-32-16 वो मैं दे चुका हूँ सर अभी। हाँ। और करीबन 20 दिन बाद फिर दूंगा सर एक बार। अच्छा, तो 20-25 दिन बाद देते रहेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। फर्टिलाइजर का एक बार हमें शुरू से बताइए, शुरू से आपने कितने दिन बाद चालू किया था? शुरू से सर ड्रिप लाइन में अगर फर्टिकेशन की बात करें तो ड्रिप लाइन में फर्टिकेशन मैंने 60 दिन बाद ही चालू किया था। 60-65 दिन जब फूल आने लग गए इसमें, उसके बाद ही चालू किया सर, है ना। उसके पहले फर्टिकेशन नहीं दिया, उसके पहले आपने बेसल डोज में जो देना था वो सभी चीजें दे दी थी। शुरुआत में फर्टिलाइजर आपने चालू किया तो ड्रिप लाइन से क्या क्या दिया था? शुरू में दिया सर मैंने 12-61 12-61 दिया सर मैंने। उसके बाद में फिर बीच में 19-19 दिया और फिर 12-61 दिया। फिर एक वो अल्बर्ट सॉल्यूशन करके आता है वो दे दिया। उसके बाद में सर अभी जो है अभी पिछली बार में मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके सबसे शुरुआती दौर में जब ये फर्टिकेशन के शुरुआत दौर में मैंने सर सल्फर और जिंक दे दिया था। अच्छा, और बोरान दे दिया था। बिल्कुल, किसान भाइयों जो ये बगीचा देख रहे हैं, भैया ने पूरा जो जहांगीर नर्सरी बराड़ा का शेड्यूल साथ में अपनी तरफ से भी एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें दी, उसी के कारण पूरा बगीचा एकदम हरा है और एकदम बिल्कुल स्पष्ट एकदम बीमारी रहित है। कहीं पे भी कोई से भी पौधे में इनके वायरस या कोई भी फंगस बीमारी नहीं आई। कोई पौधा डैम्पिंग ऑफ वगैरह कुछ फंगस से? नहीं सर, एक सिंगल पौधा भी इसमें डैमेज नहीं है आज तक। अब भाई सर आज 45 डिग्री टेम्परेचर आज की तारीख में 45 डिग्री क्रॉस अपने मध्य प्रदेश का सबसे गर्म दिन आज। हाँ, उसके बावजूद भी आज आप देख रहे हैं बगीचे को अपन ने बचा के रखा और ये पानी की ही देन है। पानी की ही देन है, बाकी पानी अगर नहीं है तो पूरा गीला एकदम मॉइस्चर। अगर पानी नहीं है तो फिर बगीचा नहीं। बिल्कुल, अपने चारों तरफ तार लगा रखे। हाँ जी, तो यहाँ क्या जानवरों की समस्या ज्यादा है? हाँ सर, जानवर आवारा गायें हैं, नील गाय भी है। हाँ। बाकी जैसे कि बहुत सारे कुत्ते भी आजकल जंगल में आने लग गए हैं। हाँ। जंगली सुअर है। हाँ। ये आते थे सर, मैंने तार जो है ये बंडल, ये अगर कहें तो ये टोचन वायर जो होता है ना, क्लच वायर, वो वाला वायर है सर ये। 1500 रुपए का एक बंडल आता है ये। दो बंडल लगे मेरे को, 3000 रुपए का बंडल लगा सर ये, जिसमें चार तार पूरे। और ये सिस्टम भी आपने लगाया है? हाँ, ये झटका मशीन, सोलर प्लेट और बैटरी, ये सब मिलके सर 8-8.5 हजार रुपए का खर्चा है ये। अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें ये मशीनें आ जाती हैं। बिल्कुल, ये देख सकते हैं भैया ने झटका मशीन भी लगा रखी है, साथ में ये वायर लगा रखे हैं। इसका उद्देश्य हम पूरा जानेंगे, मेनली सुरक्षा सर, है ना? सुरक्षा सर, इसके बिना हो नहीं सकता सर, संभव नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत नाजुक चीज है सर। हाँ हाँ। मतलब कोई भी अगर घुस गया अंदर तो नुकसान कर देगा, मल्चिंग में अगर जैसे जानवर घुस गए तो मल्चिंग नुकसान कर देगा। अच्छा अच्छा, तो ये झटका मशीन तो अनिवार्य हो गई सर। यहाँ पे जंगली सुअर वगैरह की परेशानी? जंगली सुअर भी है सर, है ना, उनके लिए भी है। और घोड़ा रोज भी है सर, नीलगाय भी। नीलगाय भैया ने चार वायर ले रखे है, पोल लगा रखे, लगभग 20-20 फीट पे पोल होंगे ये, और चार वायर है, और एक झटका मशीन इंस्टॉल किया है। इसका कुल खर्च कितना आया सर आपके? मशीन सर बैटरी और वो सोलर प्लेट और मशीन, ये तीनों का 8.5 हजार रुपये में आती है। हाँ। और 3000 के तार वह आ गए सर। हाँ। तो 8.5 और 3 अगर कहें तो 11,000 में 4 बीघा का कवर किया, 5 बीघे का, 5 बीघे का कवर किया, कवर हो गया सर। बहुत बड़ा एरिया कवर हुआ। हाँ, मतलब बहुत सस्ता काम है सर, इतना कोई बड़ा काम नहीं है। सुरक्षा के लिए जरूरी, सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी, जहाँ नील गाय और जंगली सुअर है वहाँ तो अनिवार्य रूप से करना होगा। और इसमें सर एक बार जिसको लग गया झटका, मतलब गाय वगैरह को, तो फिर वो सबको नहीं आने देगी, इसके पास में ही आने आते नहीं कोई। अच्छा अच्छा, ये बात भी। और गवर्नमेंट से अप्रूवल है सर इसका, कोई खतरा नहीं, मरते नहीं, नहीं मरता, झटका लगता है, झटका लगता है, चीटी काटती है सर। अच्छा अच्छा, सोलर पैनल भी है? सोलर पैनल सर। अच्छा अच्छा,
अच्छा, इसमें करंट की आवश्यकता नहीं, सोलर से बैटरी चार्जिंग होती रहेगी बैटरी। अच्छा, और मशीन चलती रहेगी ऑटो मोशन पे। ओके ओके, आप इसमें दो मोड आते हैं, 24 घंटा भी कर सकते हैं, 12 घंटे भी कर सकते हैं। ओके ओके, आप 12 घंटा दिन में तो कोई परेशानी नहीं रहती। हाँ, अपन आए तो बंद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब भैया से हम, जो भैया ने बगीचा किया है तो क्या स्प्रे शेड्यूल अपनाया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। कितने दिन बाद चालू किया था और कितने कितने दिनों पर स्प्रे किया और क्या स्प्रे किया। सबसे पहले भैया बताइए, प्लांट लगाने के कितने दिन बाद आपने स्प्रे चालू किया। स्प्रे सर मैंने 15 से 20 दिन बाद चालू कर दिया था। इसमें बेला स्प्रे बिल्कुल, उसमें लिया था सर मैंने इमिडा लिया था। हाँ। और एक कार्बन डीजम मैनकोजेब लिया था, दो ही लिए थे बस, और उसके अलावा तीसरा कुछ भी नहीं था। एक फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड लिया है। और कितने कितने दिन में स्प्रे किए। 15 दिन, हर 15 दिन, हर 15 दिन में स्प्रे किया है। अभी उसके बाद सेकंड डोज में मैंने जो लिया था सर, थायोमिथोक्सोन प्लस सर मेटालेक्सिन मैनकोजेब आता है अपना रेडवेल गोल्ड, वो लिया था, और उसके साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी लिया था, एक एंटीबायोटिक। भैया ने जो शेड्यूल रहता है चाहे हमारी नर्सरी का और साथ में अपना भी, इन्होंने ऐड किया फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड एंटीबायोटिक का, हर 15 दिन पे स्प्रे किया, साथ में कुछ न्यूट्रिशन जो ऐड किए हैं भैया ने वो भी जानेंगे क्या। और न्यूट्रिशन वगैरह कुछ, न्यूट्रिशन में सर मैंने ना एक इसका ये अपना बायोविटा आता है वो वही डाला था। और पहले डोज में सर जिब्रालिक एसिड जरूर डाला था मैंने। हाँ। तो उसके बाद दो बार मैंने एनपीके वगैरह कुछ, हाँ बायो एनपीके भी डाला है। बायो एनपीके, भैया ने जैविक बायो एनपीके डाला था, न्यूट्रिशन में बायोविटा का प्रयोग किया, साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट कोई अल्बर्ट सॉल्यूशन वगैरह स्प्रे में, अल्बर्ट सॉल्यूशन स्प्रे में नहीं दिया, वो ड्रिप के, ड्रिप के द्वारा दिया था। बिल्कुल, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग भैया ने ड्रिप से किया, वह न्यूट्रिशन में सिर्फ बायोविटा और बायो एनपीके का प्रयोग एक से दो बार किया आपने। ओके, बाकी फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड एंटीबायोटिक हर 15 दिन में आप शेड्यूल से लगातार प्रयोग करते रहे। किसान भाइयों, जब हम बगीचा लगाते हैं तो लगाने के बाद 15 दिन बाद हमें स्प्रे शेड्यूल का फॉलो करना चाहिए। आप जैविक कीजिए, स्प्रे का उद्देश्य हमारा रहता है कि कीटों का नियंत्रण, क्योंकि वाइट फ्लाई के द्वारा लीफ कर्ल वायरस फैलता है और एफिड्स के द्वारा रिंग स्पॉट। तो भैया के बगीचे में कहीं पे भी कोई भी इंसेक्ट प्रकोप देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें सर मैंने अभी जो पिछली बार जो दो स्प्रे किए ना, वो नीम ऑयल के ही किए हैं जैविक। हाँ, वो इसलिए किए हैं सर क्योंकि अभी मैंने देखा था कि जो अपन थायोमिथोक्सोम यूज कर रहे थे ना, तो उसमें मधुमक्खी के जो मर रहे थे, तो मैंने कहा ये कहीं पराकरण में अपने को आएगी प्रॉब्लम, तो फिर मैंने उसमें नीम ऑयल का ही किया है। तो अब पूरे बगीचे में आपको हर जगह मधुमक्खी के वो मक्खियां दिखने लग गई सर। बिल्कुल, तो मैंने नीम ऑयल किया सर। फ्लावरिंग स्टेज पे पोलिनेशन के लिए मधुमक्खी व अन्य कीटों की भी आवश्यकता होती है, तो पोलिनेशन के समय हमें वो इंसेक्टिसाइड प्रयोग करना है जो हमारे पोलिनेशन करने वाले कीटों को प्रभावित नहीं करे। भैया ने उसका भी ध्यान रखा और अभी दो बार नीम ऑयल का प्रयोग किया। साथ में आप कीटों को अट्रैक्ट करने के लिए गुड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं, गन्ना व गुड़ और गेंदा के फूल आप लगा के उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। भैया से आप फ्लावर सेटिंग के बारे में जानेंगे, फ्लावर ड्रॉपिंग तो नहीं देखने को मिली भैया अपने बगीचे में। सर कुछ जगह आई थी सर शुरू में। हाँ। फ्लड इरिगेशन करने के बाद में रुका है। हाँ। करीबन हर पौधे पे दो दो चार चार फूल गिर गए शुरू के। अच्छा अच्छा, और गिरने के बाद में संभला भी है। हाँ। जैसे बात करें सर, जैसे कि ये यहाँ का फूल गिर गया। हाँ। ये यहाँ का गिर गया, ये यहाँ का, ये देख रहे हैं ये गिर गया, पर इसके साइड में एक छोटा सा और आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो ये अगर आ गए हैं, जैसे ये नीचे की बात करें तो यहाँ आ रहा है। हाँ। तो वापस आने लग गए हैं और मेरे को लगता है कि अब ऊपर कहीं पर भी फूल ड्रॉपिंग की समस्या नहीं है। हाँ। फ्लड इरिगेशन करने के बाद क्या कारण रहा ड्रॉपिंग का। ये हो सकता है सर कि शुरू में मैंने पानी में फ्लड इरिगेशन में देर कर दी हो, मेरे को ऐसा लग रहा है। शुरू में 60 दिन तक तो ड्रिप दिया। हाँ। उसके बाद इसकी रूट है ना सर, बहुत जल्दी बढ़ गई। हाँ। मेरी उम्मीद से जो थी सर, वो जैसे कि 60 दिन में ही ये मल्चिंग के बाहर आने लग गई थी। अच्छा अच्छा, और वो मुझे अंदाजा था नहीं कि जल्दी आ जाएगी इतनी। हाँ। क्योंकि इसकी हाइट भी अच्छी थी और आपने बेसल डोज में दिया था, थोड़ा न्यूट्रिशन भी उस समय बिल्कुल नहीं था। हाँ, तो वो भी एक कारण हो सकता है। बाकी बाद में क्या सुधार किया आपने। बाकी मैंने फिर इसमें जैसे 12-61 चलाया। हाँ। उसके बाद और पानी का भी मैं रेगुलर अब ध्यान रख रहा हूँ। हाँ। तो उसके बाद अभी फूल में ये लग रहा है कि अब फूल ड्रॉपिंग की समस्या नहीं है। अच्छा, अच्छा। और हर पौधे में सर अभी जैसे बात करें तो ये फल लगने लग गए, फल बनने लग गए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये जैसे बात करें तो ये फल जैसे ये टिकने लग गए। अब सेटिंग चालू हो गई है ना। इसमें कोई भी पौधा मेल तो नहीं है आपके 2000 प्लांट में। नहीं, मुझे तो ऐसा अभी कहीं दिखा नहीं है, पूरे बगीचे में कहीं पर भी नहीं दिखा। बिल्कुल।
और जो अभी फ्लड इरिगेशन किया उसमें क्या क्या न्यूट्रिशन दिया आपने? फ्लड इरिगेशन में मैंने 12-32-16 दिया था सर, एनपीके 12-32-16। इसमें क्या सर, ये जड़े आने लग गई थी तो मैंने इसमें ये जो है ना ये पार्ट बीच की रो ये बनवा दी थी ट्रैक्टर से ही। तो मेरे को पता था कि बारिश की तैयारी करना थी, क्योंकि अगर मैं लेट होता तो फिर रूट्स आ जाती यहाँ, तो रूट्स टूटती, तो मैंने जल्दी ही करवा दिया था। ये लगभग 60-65 दिन बाद आपने तैयारी, बारिश की तैयारी चालू और फ्लड में 12-32-16 आपने खाद दी है, 12-32-16 दे दिया। 60 दिन तक आप खाद नहीं दे पाए थे, तो उसकी पूर्ति के लिए आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या प्रयोग किया? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सर मैंने सल्फर, जिंक, बोरान ये दिए थे पहले शुरू में तो। अच्छा, हाँ, 60 दिन के पहले तो। फिर 60 दिन का अल्बर्ट सॉल्यूशन वगैरह, अल्बर्ट सॉल्यूशन ये 60 दिन बाद में ये तो चल ही रहे 12-61 और इसके साथ में अल्बर्ट सॉल्यूशन दिया। उसके बाद में कुछ सुधार देखने को मिला? अरे सर बहुत सुधार है अभी तो, अभी मतलब जो फूल अब आ रहे हैं ना उनके फूल के जो कंडीशन है वो बड़ा फूल है सर, पहले छोटे फूल थे, मतलब फूल अब लग रहा है कि हाँ फूल स्वस्थ फूल दिखता ना वैसा आने लग गया। बिल्कुल। मतलब न्यूट्रिशन का और पानी का 60 दिन के बाद अहम रोल है। अगर वहाँ हम चुक गए तो पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा। हाँ, उसके बाद सर 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री वो भी ये तो एक मायने रखता है ना, गर्म हवा चल रही। बिल्कुल। हाँ, मतलब अभी दिन में जब आए थे तो ये सारे पौधे पत्ते लटक गए थे और अभी फ्रेश हो गए, एकदम फ्रेश हो गए। ये देखिए बिल्कुल, इतनी गर्मी में इनको बचाना सर बड़ा चैलेंज है। सही बात है, और वही है सर पानी का, पानी का अहम रोल है। ये आपके नमी तो बनी हुई है, नमी बनी बिल्कुल, ये देख सकते हैं बेड में पूरी तरह से पानी में कहीं कोई कमी नहीं। भैया ने मेहनत एक मेरे को सर लोगों ने ये भी बोला था कि आप पानी जो है कम दें, पानी कम दें। शुरू में मैंने लोगों की बात मान ली थी कि पानी कम दें, उस वजह से भी फुल ड्रॉप हुआ, थोड़ा ड्रॉप बोले हाइट ले लेगा पौधा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, गर्मी में हाइट नहीं लेता पर ऐसा कुछ मेरे को दिखा नहीं। अगर हाइट लेगा या ले भी रहा है पर फूल तो आ रहे ना, फूल ऐसा नहीं कि वो सिर्फ फूल ड्रॉप करके हाइट ले, समय से समय के अनुसार चल रहा है, पानी तो देना पड़ेगा। पानी अभी इतना 45 डिग्री में अगर पानी नहीं होगा तो समस्या आएगी। हाँ वो तो है सर, पानी तो इसको चाहिए ही चाहिए।